उत्पादन में वृद्धि कर देश को आत्मनिर्भर बनाने और देश के मैंगनीज का निर्यात करने की जरूरत है। मॉयल इंडिया लिमिटेड प्रबंधन और श्रमिकों को इस दिशा में पहल करने की जरूरत है। उक्त विचार केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने व्यक्त किए। चिखला खान के दूसरे वर्टिकल शॉप का लोकार्पण चिखला, कुमगांव, डोंगरी बुजुर्ग, तिरोड़ी तथा कांद्री हॉस्पिटल शुभारंभ किया गया। इस दौरान कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांगें भी मान ली गई। गडकरी ने कहा कि अब श्रमिकों को 14 लाख मेट्रिक टन वार्षिक उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मानव संसाधन विभाग को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, परफॉर्मेंस ऑडिट को और अधिक सटीक बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्टील मंत्री ने राष्ट्रीय स्टील पॉलिसी की घोषणा की है। इस पॉलिसी के अनुसार मॉल के प्रबंधन और कर्मचारियों को काम करने की जरूरत है ताकि स्टील के आयात से कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि देश में प्रतिवर्ष 72,000 करोड़ रुपए का कुकिंग कोल का आयात हो रहा है। लोगों का ये काम ही होता है कि वो बोलते फिर मत करो, आप बड़े खुश हो गए, अच्छा भी है, और हम तो राजनीति करते हैं, हमको तो पिटना ही है। नितिन भाव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और आपको पता है मैं भी ट्रेड यूनियन वाला ही हूँ, और तालाजी को पता है मैं महा इंटक का अध्यक्ष बन गया था, जबकि मैं बीजेपी वाला था, तो इंटक वालों ने मुझे अध्यक्ष बनाया था हरिभाव नाइक की जगह पर, तो एक चमत्कार हुआ था। तो ये मैं भी ट्रेड यूनियन वाला हूँ, और इसलिए मैं भी आपके दुख भी समझता हूँ, दूर की भी समझता हूँ, जिम्मेदारियों की समझता हूँ और कर्तव्यों को भी समझता हूँ। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमने जब परिवार कहा है तो हमको परिवार की प्रगति, उन्नति और विकास से हमारी सबकी प्रायोरिटी है। और इसलिए आज बहुत अच्छा हुआ कि उदार अंतकरण से आरपी सिंह साहब ने और भारत सरकार ने और विशेष रूप से हमारे इस मंत्रालय ने, हमने उनको प्रार्थना की। दादाजी मेरे पास 5-6 बार आया, मैं भी प्रार्थना करते गया, यूनियन वाले भी आए और उन्हें उदार अंतकरण से अपना काम पूरा किया है। और उन्होंने नीचे में अधिकारीगण काफी आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ सहमत नहीं थे, फिर भी हमारे आग्रह के कारण ये जो अटका हुआ काम था ये आरपी सिंह साहब ने किया है और हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इस अवसर पर केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, केंद्रीय इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते, राज्य के पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार, विकास महात्मी, सुकृत लिखी अतिरिक्त सचिव रुचिका गुविल उपस्थित थे। मॉयल के मुकुंद चौधरी ने प्रस्तावित किया। इस्पात मंत्री 1 नवंबर को बालाघाट खदान का भी दौरा करेंगे, जो मॉयल द्वारा संचालित सबसे बड़ी मैंगनीज खदान है और एशिया की सबसे गहरी भूमिगत मैंगनीज खदान है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, PCN न्यूज़ नागपुर।